वाम गाय के रुनु जुनु अंगना में नाच गई ननदी रुनु जुनु अंगना में नाच गई ननदी जाना मललालन मां बधैया मांगे जय भई हो लाल कलो ने छोड़ा ई दिल के एकर बाप पिन्हावे हम छियो दुआर दे छी फुआर के देते अपन नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। बाबू के इस दुनिया में आए हुए हो गए हैं जी 5 दिन और कल हो जाएगा 6ठा दिन। तो 6ठे दिन जी होने वाला है इसका छठियार। छठी मनाने को लेकर के जी घर में चल रही है तैयारी। मोनू और पापा जो है मार्केट गए हुए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए और हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल तो इस बाबू का हो रहा है बहुत ही जोरदार मालिश और मालिश करवा के देख सकते हैं जी कितने मजे में है। हाँ ठीक, कहाँ से कपड़ा देखा देख रहे कलर छे कपड़ा के की छे कपड़ा कपड़ा का शर्ट देखिए। ये देखो कितना शांति से सुन रहा है ठीक है। बाबा शॉपिंग कर रहे हैं, ये भी देख रहे। रो रहा था, चुप हो गया। बाबा का खरीद रहे हैं, देखो तो। यही पीले वाले कपड़े का, ये अपने यहाँ छठी होता है जो पीला कपड़ा में, ये है जो कि पीले कपड़े के लिए। अब साड़ी तो दीदी खरीद ली है, लेकिन ब्लाउज या तो टेलर सियेंगे, हम जब आते हैं तो टेलर पैसा क्यों देंगे, ये हम ही सिल रहे हैं। तो सिलो तुम। बाबू की छठी की तैयारी हो रहा है। बाबू अब लग रहा है सोया हुआ है उधर। मालिश करवाया दादी से फिर सोए। बाकी घर के लोग हैं वो सब गए हुए हैं जी बाहर, वहाँ भी शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ देर पहले दिखाया था कि बाबा जो है अपने पोते के लिए जो है कुछ खरीद रहे थे। कल ही जिया जो है डिस्चार्ज हुई है हॉस्पिटल से और हम लोग इतनी ज्यादा हड़बड़ी में थे, जितना कुछ भी हो पा रहा है जी कर रहे हैं। तो यहाँ पर माँ आ गई है जी खरीदारी करके, देख सकते हैं सामने साड़ी सब है। तो किसके लिए है दीदी? ये जिया। अच्छा, ये जिया के लिए पीली साड़ी। अच्छा, और ये जो साड़ी है ये किसके लिए? दादी हॉस्पिटल में। ये तो साड़ी हमको हमारी बहन दी है, वकील साहब की तरफ से भी बाकी है, क्योंकि हम उनको कह दिए थे 10,000 रुपया लेगा। अच्छा, आभा और यार मेरी दोनों ननद सबके लिए मार्केटिंग हम कर चुके हैं, वो लोग आते जाएगी आप लोग। अच्छा, तो जो भी आती जाएंगे उनको मिलता जाएगा। अगर नहीं आई तब क्या करोगे? जब जब आएगी तब देंगे। अच्छा, जब आएगी तब मिल जाएगा। वाह बढ़िया, नैन्सी के लिए तो भेज देंगे। मना मम्मी जाएगी दिल्ली तो साथ लेती जाएगी। अब नैन्सी है उसके लिए तो सबको हो गया। वर्षा जो आएगी छोटी वाली ननद आभा की बेटी को अलग से देंगे, क्योंकि वो तो सलवार सूट पहनती है, हम खरीदने पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो आएगी तो अपने से खरीद लेगी, अपने खरीद लेगी या पैसा दे देंगे अपना सहरसा पटना बम्बई दिल्ली जहाँ करना। और ये क्या खुल रहा है मम्मी, एक और नया झोला देने पास? ये छठी के लिए बाबू के लिए आया है जो अभी शॉपिंग कर रहे थे कुछ देर पहले। पापा बाबू भी शॉपिंग किया है साथ में अपने बाबा का। इसका क्या है? वो सुजनी है ना, सोने वाला प्लास्टिक है। ये बाबू छठी में पहनेगा ये कपड़ा। वाह बढ़िया है दादी दी। और क्या ये तौलिया है? ये उसका सालू का जिसमें लपेट के ऊपर। वैसे हम लोग यही है मेन चीज, बच्चे जैसे दियाना देखे सर बिल्कुल बंद करके पीढ़ा रखा पे, पीढ़ा जैसे होता है उस पर रखा है। बाकी चीज जो भी होगा देख ही लेंगे। वाह बाबू ने पीली टटी है, बधाई हो बधाई। अभी तक जो है यह अलकतरा जैसा कर रहा था कुछ ना कुछ, कभी ब्लैक कभी कजली सब तरह के। अब फाइनली जो एक इंसान करता है टटी उस तरह का टटी कर रहा है। हमारा काम तो है इन लोग का टट्टी साफ किया, अब इसका कर क्या हुआ बालक? अगर और जिंदा रह गए तो इसका भी करेंगे। हमारा ऐसे ही टट्टी साफ, 3 पीढ़ी का टट्टी साफ कर लेगी। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं जी पूरी सफाई करवा के एकदम नंगो नंगो होकर के कितना शांत है एकदम, देख सकते हैं खुश कितना है अभी। बोला दिया मेरे बाप, बोले मतलब तक मेरे यहाँ नया कपड़ा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए किसी का पहना हुआ बच्चा का पहना तो भी इसलिए जाना। हम गरीब दास रखी अभी तक। इसके पास 2 ही टी-शर्ट है, ठीक के बाद ये बिल्कुल अमीर दास हो जाएगा, एक कपड़ा एक ही दिन पर। बाबू बोल दो हेलो फ्रेंड, बोलो आप भी बोलो हेलो, आप बोलो नमस्कार जी, ऐसे बोलो नमस्ते जी। स्नान करेगा तो अभी रेडी हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है का, फिर जाएगा ये नहाने के लिए। दादी रेडी है नहाने के लिए। हाँ बेटा स्नान करेगा तो किसको देख रहे हो? बाबू सोनू बेटा, सोनू में बेटा कैसे? सोनू का बेटा, सोनू के बेटा, सोनुआ का बेटा। हाँ को देख रहे हो, आपको बोल दो नमस्कार जी, आपको बोलो, बोल दो नमस्ते करो सबको, बाबू नमस्ते करो, बोलो हम नहाने जा रहे हैं, आज मेरा छठी है ठीक है, बार हम नहाने जा रहे हैं, आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए हमको, ठीक है नमस्ते करते हैं हम। ए कैमरा देख रहा है, आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए हमारे बाबू को, आज पहली बार जा रहा है नहाने के लिए, नहीं नहीं करेगा। बाबा मामा मिलके इनको नहा रहे हैं, नहाने आ गए रहे। Thank you.
स्नान हो गया, पूजा हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बाबू को पानी नहीं रहना चाहिए हमारे बब्बा को, ठीक है। राजा बेटा बन गया बिल्कुल, तो स्नान पूजा करके तो बाबा के तरह ध्यान पूजा सब करेंगे, ठीक है। नहाई नहाई कर लिया, बाबा की तरह पूजा पाठ होगा, सब हो जाएगा दादी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। अरे मिला, नहाई नहाई हो गया, नहाई नहाई हो गया बाबू का। पानी नहीं रहना चाहिए। तो बाबू का जो है नहाना हो चुका है, अब इसको जो है नया कपड़ा पहनाया जाएगा, इसको शाम में पहनाया जाएगा। अभी नहीं, अभी नहा के आया है ये। हाँ। अब इसको अभी वही पुराना जो धुला हुआ कपड़ा है उसी में इसको लपेट दिए हैं। अब अच्छा। जो भी काम होगा उसका शाम में होगा। अब इसकी मम्मी नहाएगी, बाबा को देने वाले हैं हम, फिर इसकी मम्मी को नहाएंगे, क्योंकि अभी हम इस काम के लिए हम ही हैं ड्यूटी पे। अपने यहाँ माना जाता है कि जो देखभाल करते इधर उधर नहीं जाते, हम लोग नहाए, सबको नहा धो देंगे, फिर हम भी नहाएंगे, सब हो ही जाएगा, बाबू भी मेरा खुश हो जाएगा, ठीक है। आज बाबू नहा लिया है, और इसके पापा शैम्पू लेने गए थे, वो लेट कर दिए, तो हमारा पोता जो है साबुन से नहा लिया लास्ट। ये क्या कर रही मम्मी? ये राई और सरसों है। अच्छा, इसका धुआं लगना चाहिए जब कमर में जो भी दर्द होता है इससे। अच्छा। नहाती है गरम गरम से, उसका हर सर्दी उर्दी जो भी है। अच्छा, कुछ मत बोलो, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी जे छो माय बाप जिसका भी नजर हो सब चला दे, सब बता दे। जिया और बेबी दोनों जो है नहा लिए हैं, और बेबी का जो है आज फर्स्ट टाइम बात हुआ है, और जिया का जो है आज 6 दिन बाद हुआ है, वो भी पूरी तरह से नहीं नहाई होगी, क्योंकि ऑपरेशन का जो स्टिच है वहाँ पर थोड़ा तो बस धोया जाता है, स्नान करवा दी। चलो बढ़िया है। और यहाँ पर देख सकते हैं बेड सब कितना ज्यादा बिखरा हुआ है, इधर सामान सब देखिए। तो जिया जब ठीक रहती थी तब इन सब बात की दिक्कत नहीं आती थी, हमें करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर देते हम जल्दी से। जी अभी कुछ देर पहले ही लेटे थे सोने के लिए, मुश्किल से 5 से 10 मिनट हुआ होगा कि बच्चा का रोना स्टार्ट हो गया। यह जो हमारा लड़का है, इस लड़की को लग गई थी भूख, तो जल्दी से इसको उठाया, और ऐसा जो है लगातार हुए जा रहा है। शायद जो भी माँ बाप होंगे वो इस बात को फील कर रहे होंगे, जो भी मैं कह रहा हूँ जो सबसे अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो सबसे अच्छा यही रहता है जी, बच्चा जब सोए उसी समय सो जाए, उसके साथ साथ अगर सोना है तो, नहीं तो होगा क्या, वहाँ तो आराम से सो लेगा, आप नहीं सो पाएंगे आराम से, आपके सोने का समय होगा उसका रोना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा है जब मौका मिले सो लीजिए, आपका बेबी सो रहा है उसके साथ ही सो लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर नींद लेना है तो। ऐसा नहीं कि पूरे दिन सोते ही रहना है, लेकिन नींद भी जरूरी है दिन भर में। किचन से जी बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, देख रहे हैं यहाँ पर तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, क्या बन रहा है दीदी? पकवान नहीं है, सब्जी बन रहा है फ्राई। अच्छा, भिंडी, परवल, आलू, पालक का साग, दाल, चावल। अच्छा, तो 5 तरह का सब्जी और 1 मछली, वाह बहुत बढ़िया है। और मम्मी यहाँ पर देख रहे हैं किस चीज की तैयारी कर रही है, छठी में दिया जलेगा ना। हाँ। जो बच्चे को नहीं दिखाया जाता है, बच्चों को लपेट के आपको दिखाएंगे बाद में। अच्छा, ठीक है, दिया नहीं दिखता है। ओके, हम भी देखेंगे, हमें भी नहीं पता था यार, और हमने देखा भी है तो आज तक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जो है कि एक रसम ध्यान से देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पर यह डाली तैयार हो रहा है, और यहाँ पर यह पीढ़ा भी आ चुका है। अच्छा, बंधु दीदी कादल भेजी है ये, वाह ये रहा कद रोटी, वाह। अच्छा, बच्चा का मठिया भी पहनाना है ना सर? कुछ देर पहले जिया जो उठने के भी हालत में नहीं थी, लेकिन जब मालूम चला कि फंक्शन में बैठना है तो मेकअप के लिए फट से उठ गई। कहाँ से ताकत आ गई अंदर में? ताकत नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का फिर से छठी नहीं है, इसलिए एकदम सच धज कर ही रहना है इसमें। मुझे बहुत फोटो खराब नहीं है उसका, फोटो नहीं, मुझे बहुत शौक था कि जैसे लड़की सब बैठती थी ना, हम वीडियो देखते थे, पूरा नागपुर से सिंदूर करके, पूरा मेकअप करके, पूरा ज्वेलरी पहन के, उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना होगा हम पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से छठी नहीं होगा हमारे बेटे का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से हो, और आप भी अच्छे से कीजिए। नहीं तो हम तो ऐसे लोवर में ही बच्चे का छठी करें। जाना मललालन मां बधैया मांगे जेबई हो लाल, कटिहार में बाजा है बधैया की, शिश बागों में सोर भेल हो लाल, ललना इंद्र देव के जाना मललालन मां बधैया, जाना मललालन मां।
एक बहन है जो मेरे फुफेरे भाई की बेटी है कंचन, तो समय समय पर वही बहन आ जाती है। बिल्कुल, हम लोग की प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपना अरमान पुराने के लिए। सौभाग्य की बात है कंचन के लिए भी, मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य का बात है कि भाई पास में है। आज ये पीला कभी महसूस नहीं होता है कि हम दूर हैं अपने मायके से। बिल्कुल जी, रक्षाबंधन में एक बहन जो हमेशा आया करती थी वो सामने बैठी हुई है, और आज यही बहन जो है हमारी बेटी की छठी में आई हुई है। और बहन सब तो दिल्ली दूर है, टिकट कटाने में बहुत समय लग जाएगा। तो भगवान जो है हर कमी का क्षतिपूर्ति करता है। ये है कि आज ये बबुआ पहनेगा छुटका, तुम्हारी मम्मी दादा दादी ये लाए हैं खरीद के, हुआ वाला दिखा दो। इसमें बच्चे को लपेट करके इस पीढ़ी पर रखा जाएगा, ये दिया जलाया जाएगा। अच्छा, और ये कपड़े पहना के ये तोलिया से मुंह ढक देंगे जो दिया। ये लाइए उसकी फुआ, मेन फंक्शन इसी का है। चलो ये उसकी फुआ लाइए। अच्छा, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, उसका सौभाग्य छिपा हुआ है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया। पहले हमारे यहाँ दवात और करची का एक कलम बनाया जाता था, बांस के करची। ये लाल रंग जो गुलाल है वो रखा जाता था उसमें, बाबू का आज तकदीर लिखा जाएगा, एक कॉपी एक कलम। तो अब तो वो नहीं रहा, तो एक हम ऐसे अलता रख दिए, लाल शुभ का एक ये कलम रख दिए, एक कॉपी रख दिए। प्रार्थना हम लोगों की हर पल हाजिरी तुम्हारी होती है, आज विशेष रूप से है। करची के हम कागज बने पात्र के कागज बने लौंगा जल रोशना अमर के हम कलम बने लौंगर के छिन महीना के जामा गलखिन हाथ में समा तखने कोनो कोहरी कानी के तखने हमरा की पड़बा कोनो कोहरी कानी के। अभी उपटन उपटन लग रहा है, अभी लगेगा, फिर एक बार लगेगा मुंडन में। अच्छा। दही हल्दी, उसके बाद जनों में फिर उपटन लगेगा। पासुदी है देगा तो देने वाला होगा तो इसे भी देगा। कपड़ा दे दो कपड़ा, तू चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा फुल पेट हो रहा था, इसको भी हुआ है। इतना लागे वकील साहब के साइज भाग लो तोरा ना। अच्छा है, कम से कम दो साल चल रहे। चुप रहा, मेरी ननद है नमिता, तो स्वेटर बनाया था अपना बेटा का, इतना बड़ा बना लीजिए कि चार साल में घूम कर पड़ा। चुप रहा, रोटी पका ली छी। देख ली देखे डर वाला देखो कौन नंबर छो भूख लगे भाई भतीजा भाई को नहीं आए नाहे हो वाके जाना बाना ना दो लीना बौरे जानू भोरका पारा
सपना में देखा लो बातीत में आए साले भाई नैयर के नकले साबा भैया साले भाई ना एताना सामना ले के जाना ना दो बड़ा में साके गीत का तो कार्यक्रम हो गया जी, आप देखते हैं आगे क्या चलता है। ये क्या कर रही है मम्मी? इसका पूजा होगा, ठीक है, ये आगे रखा जाएगा, इसको अब रोटी से ढक देंगे, इसमें और खीर पूरी दे करके अब रोटी से ढकेंगे। ये है जो कि वो जिया खाएगी ना, अच्छा, ये जिया खाएगी तो उसके लिए अलग से थाली लगता है, ढकेंगे खीर पूरी रख के इसको की ननद भुगले जाएगी कादर पाल के। दोनों साड़ी दोनों दोनों जेठानी अच्छे पहन ली, हम दोनों मन सोचे अच्छे पहन लेते हैं, हम लोग सोचे कि अब तुमको हुआ क्या बेटा हुआ है, अच्छी अच्छी साड़ी खरीद के मम्मी को और दीदी को दे, हम बढ़ी पाए। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात, बिल्कुल मिल जाएगा। पार्टी करेगा यहाँ पे एक सवा महीने के बाद, फिर वकील से आपसे 10,000 रुपया भी लेना है, नया साड़ी तब होगा, तब होगा कि तब ये कंचन रहेगी यहाँ पे, वो हम गाएंगे रुनु झुनु अंगना में नाच गई ननदी, रुनु झुनु अंगना में नाच गई ननदी, काजो देती ननद नहीं लेती, कंगन देख के लोभा गई ननदी, रुनु झुनु अंगना में नाच गई ननदी, सब गहना मेरा भली है, सब गहना में टीका भली है, ओ भी ना लेती ननदिया, ननद मंगे फूल के जरी, फूल के जरी ननदो ससुर मिलता, फूल के जरी ससुर मिलता, बारा गरीब कहाँ पावा फूल के जरी, गरीब कहाँ पावा फूल के जरी, तालिबान लगा लो। हाँ हम तो कहे छे कि सागर पुआ मावा पिताजी का ही कथा सुन लाए पूरे लाल। हाँ देखो, हाँ देख देख गोर लाइसिया सब पूर्वज के भी गोर लागे छे, सब भगवान खुश रह खुश रह छे, कतो हमरा से गलती छे हर पल हम क्षमा प्रार्थी छे। देख तो एना दे दोनों गदनी बैठल स्थिर, देख ले थारी करी सुनू टच कर लो ना। हम्म, खोला पहिने। हां ओ चक्कू। ऋतु पानी रखा जल्दी था पूरा पीने में रखना, उस रंग पूरा उस रंग। हाँ
मेहंदी से उस रंग 5 बजे से सब खाना पीना सब बोल ले लग जा ठीक पापा सीकृत दे से दादी एक महल में जन्म भेल ल ये लो कर लो ने छोरा ई दिल के कर बाप पिन्हावे हम छियो ए दुआर दे छी कि फुआर के देते अपन चल पकड़ लिया हां सीकृत ले ल को पकड़ ल को छोरा गाड़ते ओकरा हां रखा पंखा खोल दिया पंखा खोल बचाओ ने गेलो आबे सथा मां बाप का गोद खाली नहीं बैठ जा खइयो पड़ा वाला ये खाइयो बच्चा अथी नहीं सचेतन दब ऋतु थारी उठा दब थारी दब राव कने हल्का पाछ दे पाछ दिसा बच्चा तो दस नहीं तंग बच्चा बगैर का पिया को देलो नहीं खाओ नंदु चल गेला तो कहे जा कौन तेरे दादा ने उठावे हम कहली भैरा तू खाइ दे एक मिनट डाटन तुम तोहर जे छोटकन चल दीदी पीढ़ी में